अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जो है ना, बस किचन वाला डे ही समझ लें आप। तो सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ता वगैरह ही किया है बस। तो उसके बाद जो मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में जो है वो पापा लेकर आए हुए थे बीफ, और उसका बनाना था सालन, क्योंकि हमें पता चला था कि गेस्ट आ रहे हैं। तो आजकल जो है ना, बस किचन जो है वो मैंने संभाला हुआ, खाला ने ज़्यादातर, तो खाला ने ही संभाला हुआ, कुकिंग वगैरह वो करती हैं। तो अभी वो कहीं गई हुई थी, तो मैंने कहा चलो आज मैं ही बना लेती हूँ। तो इसमें यह है कि मैं जो हूँ ना, आज कोई नया जुगाड़ लगा रही थी। वैसे मैं इस तरह नहीं बनाती हूँ, प्रेशर में अगर सिंपल प्याज टमाटर और सब कुछ डाल के डाल दिया जाए ना, तो वो ज़्यादा इजी भी है। पता नहीं मैंने आज ये क्यों तरीका अपनाया कि जो है ना, मैंने चॉपर में डाल के पहले सब कुछ चॉप किया है, प्याज भी टमाटर भी लहसुन भी सब कुछ जो है ना। मैंने कहा कि एक दफ़ा जो है प्रेशर उतर जाएगा ना, तो फिर उसके बाद जो है ना मुझे कुछ भी जो है ना मैशअप करना ना पड़े, और बस फटाफट जो है ना हांडी की बुनाई हो जाए। तो इसमें जो है ना, मैं मेरे पास 2 किलो था, तो मैंने 4 प्याज लिए थे, 4 ही जो है वो मैंने टमाटर लिए थे, और सबको जो है ना मैंने मैश करके बीच में डाल दिया, और ढेर सारा लहसुन जैसे कि हमारे घर में छिलता है, और एक कढ़ाई मसाले का मैंने पैकेट मंगवाया था 1/2 किलो वाला, वो मैंने बीच में डाला, साथ में 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच मिर्च और हल्दी। लेकिन अभी जो ये नमक मिर्च है ना, मेरे ख्याल से तो कम है। तो मैंने कहा कि जब एक दफ़ा प्रेशर लग जाएगा ना, फिर उसके बाद जो है ना बाकी डल जाएगी। तो अब जो है वो बस मैं इसको मिक्स कर दूंगी। अच्छा, इसमें ना प्याज और टमाटर जो है, क्योंकि उसमें मैंने पानी डाला था चॉप करते हुए, क्योंकि ग्राइंड ही किया था ना, तो पानी डालना पड़ा था, तो फिर इस वजह से मुझे मजीद जो है ना पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे ना मेरी चेक कर रही हैं, उनको मैंने कहा था कि चेक कर लें, पानी डालने की ज़रूरत तो नहीं है, तो इस वजह से। तो बस उसको जो है ना मैंने प्रेशर लगा दिया। वैसे मेरी खाला मुझे कह रही थी कि ये तुमने क्यों किया, तुम जो है ना सारा कुछ वैसे ही डाल लेती, मतलब चॉप करने की क्या ज़रूरत थी। तो ना मैं, मुझे ना मेरा दिल करता है कि मैं चीज़ें जो है ना नए नए तरीके से करके देखूँ, कि क्या पता मुझे बेस्ट तरीका इससे मिल जाए। तो मैंने इस वजह से जो है ना ये किया था, और मुझे ये भी पता था कि कम अज़ कम सालन जो है ना ख़राब नहीं होगा। तो खैर जो है वो फिर मैंने प्रेशर कुकर लगा दिया, और मैं बाहर आई, तो यहाँ पर बाहर हमारे मेहमान भी आए हुए हैं, और मिराल को जो है ना मैंने चेंज वगैरह करवा दिया था उनके आने से पहले पहले ही। ये बैठी हुई थी और पहले रो रही थी, तो मैं इसके लिए जो है ना थोड़ी सी बोतल डाल के लेकर आई, क्योंकि कोई पी रहा था तो ये कह रही थी कि मैंने भी पीनी है। तो मैं स्टील के ग्लास में डाल के लाई, इसको लगा कि ना पानी है तो ये पीने ही ना आए, तो फिर मैंने इसे ज़बरदस्ती एक घूंट लगवाया, तो फिर ये खुद ही जो है ना मेरे पास आ गई। तो ये जो फ्रॉक है ना, मैं लास्ट व्लॉग में बता रही थी कि मेरी खाला ने कपड़े सिए हैं मिराल के लिए ना, तो ये 3 ड्रेस जो सी है ना उनमें से एक है, और ये इसको बड़ी अच्छी लग रही थी, हल्के से कलर वाली ना। अच्छा, यहाँ पे खाला आ गई हुई थी, तो वो ना काट रही थी सब्ज़ मिर्चें। तो उन 2 सालन हमारे घर में बन रहे थे, एक भिंडी बन रही थी और एक जो है ना बीफ बन रहा था। तो भिंडी उन लोगों के लिए थी जो मेरे जैसे थे, जैसे नहीं खाते हैं, जैसे मैं थी, आयशा थी, फिर हमने कहा कि सालन ना कम ना हो जाए। असल में ना गेस्ट बहुत ज़्यादा थे, तो फिर हम लोगों ने सिर्फ एक ही सालन जो है ना बनाना मुनासिब समझा था। दूसरी बात ये थी कि जो है वो मामा का हाल चाल ही पूछने आ रहे थे, और मेरे नान का ही था सारा, तो इस वजह से साथ में जो है वो फिर हमने कहा कि भिंडी बना लेते हैं। ये साथ जो पेटी पड़ी हुई है ना फलों की नज़र आ रही है, ये जो है वो मेरे मामू वगैरह जो है वो लेकर आए हैं। और ज़्यादातर जब किसी के घर वगैरह जाते हैं ना हम लोग, तो हम लोग फल लेके जाते हैं, तो ये एक अच्छी बात भी है। मतलब मैंने ना जब मेरी शादी हुई, तो मैंने ससुराल में ना इस तरह का ट्रेंड नहीं देखा है, मतलब ज़्यादातर मिठाई या फिर हलवा वगैरह लेके जाते हैं, तो मुझे उसकी निस्बत ना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ना इसमें सेहत भी है इंसान की, और ये एक अच्छी हेल्दी चीज़ भी है। तो मैं अब अपने हस्बैंड को भी कहती हूँ कि जब आप कहीं जाया करें ना किसी के घर में भी, तो फल लेके जाया करें, ज़्यादा सही रहता है और काम भी आ जाता है। फल तो वैसे भी आजकल इतना महंगा है। साथ में प्रेशर कुकर की भी सीटी बज गई, तो मैंने उसका 15 मिनट के लिए जो है वो टाइम रख दिया। और यहाँ पे हमारे कुछ और गेस्ट आ गए, तो आयशा ने आड़ू निकाल लिए पीच जूस बनाने के लिए। प्रेशर कुकर जब उतारा, तो फिर जो है वो मैंने कहा खाला आप देख लें एक दफ़ा। असल में ना मैं बीफ और मटन नहीं खाती, वैसे मैं अपने ससुराल में तो अब बनाती रहती हूँ काफ़ी हद तक, लेकिन जो है ना मेरी फिर भी मैं उसमें अपनी एक्सपर्टीज़ इतनी ज़्यादा मानती नहीं हूँ, और दूसरा इतने सारे मेहमान आ गए थे, तो फिर मैं थोड़ा घबरा भी गई। तो मैंने खाला को कहा, खाला ने कहा कि जो है ना ये नहीं अभी गला, और मैं चखने की हद तक भी नहीं देख सकती कि गला है या नहीं, मेरा दिल ख़राब होता है। तो वो चेक कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं गला, थोड़ा गोश्त भी ज़्यादा है, तो इस वजह से ना थोड़ा टाइम लगेगा। तो उन्होंने कहा कि 10 मिनट जो है ना और लगवाओ इसको ना, तो 10 मिनट जो है वो फिर और लगवाए, सीटी लगा दी। लेकिन जब हम लोगों ने प्रेशर कुकर उतारा ना, तो काफ़ी हद तक जो है ना गोश्त गल गया था। फिर उसके बाद जो है ना हमने कहा कि भुनाई कर लेते हैं, और एंड पे जब पानी वगैरह डाल देंगे, तो फिर 5 मिनट जो है ना एक दफ़ा और लगवाएंगे। आज जो है ना ये जो बछड़ा होता है, इसने तो नाखून चने चबाए हैं सालन ने ना, तो खैर उसमें जो है ना ये डाल दिया ऑयल वगैरह, ये मैं ही डाल रही हूँ, लेकिन मेरी खाला बैठ गई कि चलो मैं भुनाई कर देती हूँ। मैंने कहा चलें ठीक है, अभी मेहमानों वाला माहौल है, तो ये ना कोई चीज़ जो है ना मुझसे गड़बड़ी हो जाए। वैसे भी जगह घर में बड़े मौजूद हो
ना कुक मौजूद हों कुकिंग करने वाले, मैं खुद भी उनसे ही पूछती रहती हूँ और मशवरा करती रहती हूँ। जब अकेले होती हूँ तो फिर मैं खुद से सब कुछ कर लेती हूँ, लेकिन जब बड़ा कोई हो तो फिर मैं खुद भी उनसे पूछती हूँ कि ऐसे करें ऐसे करें। तो बड़ों के तजर्बात से ना फ़ायदा उठाना चाहिए। खैर खाला मुझे यही कह रही थी कि जो है ना इस तरह से फुल मैश नहीं होता, इस तरह दानेदार रहता है ग्रेवी जो है ना, उस तरह मैश होती है। अगर जो है ना तुम प्याज टमाटर वगैरह साबुत डाल लेती, बाद में पानी निकाल लेती और बुनाई कर लेती, तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था मेरे ख्याल से। तो मुझे इस तरह से जो है ना, मैंने एक दफ़ा पहले भी बनाया था तो मुझे अच्छा लगा था इस वजह से। और साथ में जो है वो थोड़ा सा जो है वो दही था, तो मैंने कहा वो दही भी जो है ना एक प्याली वो बीच में डाला ताकि स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। तो टमाटर भी मैंने चार डाले थे और दही भी डाला था। तो अच्छा, इससे ना सालन में थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है। अगर आप लोगों को इतना खट्टापन पसंद नहीं है ना, तो आप लोग टमाटर कम कर दें या फिर दही ना डालें। अगर आप लोगों को स्मेल का इशू नहीं है, कोई गर्म मसाला वगैरह जैसे कि साबुत मिर्च होती है, सॉरी साबुत जो है ना इलायची होती है, वो डाल लें, पसंद है तो मैंने उस लिहाज से जो है ना ये, तो आप लोग दही स्किप कर सकते हैं अगर आप लोगों को खट्टापन पसंद नहीं है, टमाटर कम डाल सकते हैं। फिर जो है वो इसकी बुनाई बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि इतनी अच्छी बुनाई जो है ना बहुत ही अहम होती है, किसी सालन की बुनाई जो है ना बहुत ही ज़रूरी होती है। ठीक है, इसके बगैर गुजारा नहीं चलता। जब तक ऑयल ही ना छोड़ेगा आपका जो गोश्त है, तब तक आपने बीच में पानी ऐड नहीं करना। खैर जब उसने छोड़ दिया तो पानी हम लोगों ने ऐड कर दिया। अब इसको एक दफ़ा फिर जो है ना प्रेशर कुकर लगवा लेंगे 5 मिनट के लिए, जगह ताकि जो थोड़ी बहुत गोश्त की कसर है ना वो निकल जाए। तो ऐसा हो जाता है ये जो बछड़े और बड़ा गोश्त होता है इस मामले में ना मटन वगैरह में, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं होती। तो बाकी जो है वो सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी भूल गए थे पहले डालना, तो वो भी डाल दें साथ ही, और जो है वो प्रेशर कुकर लगवा दिया और ये मज़े का हमारा जो है ना तैयार हो गया। खैर मैं खाती तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे तो अच्छा ही लगा दिखने में ना। और धनिया वगैरह जो है वो काट करके मैंने कट करके जो है वो बीच में डाल दिया। तो यहाँ पे ना मैं आप लोगों से एक बात कहना चाह रही हूँ कि क्योंकि मैं अपने घर में जो है वो मेरा बकायदा, क्योंकि अब चैनल है तो मैंने उस लिहाज से चीज़ें जो है वो सेट की हुई हैं कि जो कैमरे में अच्छी लगे, जिनकी वीडियो रिकॉर्डिंग जो है ना अच्छी हो। तो जब आप कहीं और जाते हो तब वहाँ पर इस तरह का सिस्टम नहीं होता, और हम लोग सब समझते हैं कि आम घरों में जो है ना कैसे कुकिंग हो रही होती है और सब कुछ, तो चीज़ें तो हम भी साफ़ सुथरी होती हैं, लेकिन उस तरह से प्रेजेंटेशन और उस तरह से मैं लुक्स नहीं लेकर आ पाती। तो काइंडली जो है ना इस चीज़ को इग्नोर कर दिया करें। और दूसरा ये कि क्योंकि मेरा व्लॉगिंग का चैनल है, तो जितनी जो चीज़ है ना हकीकत के करीब दिखाई जाए उतना ही अच्छा होता है किसी घर में, बजाय इसके कि मैं जाकर टेंशन डालूंगी चीज़ को इस एंगल से करूँ, क्योंकि मेरे अपने घर में उस तरह से मौजूद है तो मैं उस तरह से चीज़ें दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सालन भी डाल के दिखा दिया कि ये अच्छा ही लग रहा था और बोनलेस भी था, ये हड्डी वाला गोश्त नहीं था। और साथ में जो है ना खाला बना रही हैं भिंडी, और ये भिंडी भी बहुत मज़े की बनी थी। और कुछ लोग कहते हैं ना कि सब्जी गोश्त सामने पड़ा हो तो सब्जी जो है वो कौन खाता है, तो वो गोश्त खोर लोग कहते हैं। हम जैसे लोग जो है ना सब्जी शो ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो मैंने और आयशा ने तो सब्जी ही खाई थी, बाकी सब मेहमानों वगैरह के लिए जो है ना बीफ था। और मेहमान भी ज़्यादा थे तो मुझे यही डर लग रहा था कि अल्लाह करे सालन पूरा आ जाए। ऐसे मौक़ों पे ना जब मिलके खाते हैं तो हमेशा मैंने देखा कि अल्लाह की तरफ से मदद मिल जाती है और बरकत भी हो जाती है आपके खाने में ना। बेबी इनकी बात मान लेती है। बेबी 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 को क्लैपिंग क्लैपिंग। अभी बस खाना लगाने लगे हैं, खाना लगाने लगे हैं, बस अभी 5-10 मिनट में लग जाता है। हमारे साथ में ना नेबर्स हैं, तो वहाँ पर उनकी भी दो बेटियाँ, तो उनकी छोटी बेटी जो है ना आयशा के पास आती रहती है, तो उससे भी मिराल जो है ना बहुत ज़्यादा अटैच है हफ्ज़ा से। और इसके साथ जो है ना बस ये लगी हुई है साथ में, वो उसको जो सिखा रही थी वो ये सीख रही थी। ਕੱਟੇ ਦੇ ਗੋਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਝਾਦਰ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ
तो भड़ी जो है ना करीब आने वाली है, तो यहाँ पे हमारे जो भरे हैं उनके दरमियान कन्वर्सेशन हो रही है भड़ी को लेके, कुर्बानी के जानवरों को लेके। आपको पता कि आजकल कितनी महंगाई हो गई है, तो बस जो है ना सारे डिस्कस कर रहे थे। और बड़ा मज़ा आता है जो है ना इस तरह की डिस्कशन सुनने का, क्योंकि हमें इन चीज़ों का ज़्यादा पता नहीं होता है। तो यहाँ पे मेरे मामू बैठे हुए हैं, पापा बैठे हुए हैं और मेरी नानू बैठी हुई है, तो ये और एक साथ में नानू की बहन है वो भी हमारी नानू है वो बैठी हुई है, तो सब जो है ना मिलकर डिस्कस कर रहे थे। तो खाना शाना मैंने सर्व कर दिया था, मेहमान भी चले गए थे, और हैंड पे जो सबसे मुश्किल काम लगता है ना वो होता है कि ये बर्तन जो इतने सारे हमें किसने धोने हैं। तो मैंने कहा कि मैं ही धो देती हूँ। इतने सारे धोने के बाद जो है ना लगता है, पता लगता है कि आपने ना कोई महान काम कर लिया। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने जो है वो मेरी वीडियो जो है वो एंजॉय की होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।